हम अभी गोविंद जो मैंने बताया था, जो थोड़ा सा लोअर अर्थ में है, वहाँ के कली युग का परसेंटेज बहुत हाई है, इस वजह से वो मेरे ऑडियोज की एनर्जी नहीं ले पाता है। तो मैंने उसको बोला है कि एक ही मंत्र उसके लिए काम करेगा जो उसको अपने ही आवाज में बोलना होगा, दैट इज हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा। मतलब कली युग में इस हरि के नाम के अलावा और कोई चारा नहीं है, दैट इज द ओनली रिसोर्ट। तो ये वो बोलने लगा, तो वी स्टार्टेड, मतलब पहले मैंने आपको बताया था वो फाइव बींग्स वाले वीडियो में कि उसका मतलब गोविंद का मतलब पहले शायद एम्बर था और फिर वो चेंज होकर वो हो गया था, मतलब उसको हेल्प कर करके लाए थे हमने 8% ग्रीन तक, फिर वो और इम्प्रूव होके 10% ग्रीन तक हो गया था। तो आज मैंने फिर से ट्राई किया, अभी मैं इस वे से ट्राई किया मैंने ये हरेर नाम वाला बोलकर, तो मही का वो कितने परसेंट पर आकर बेहोश हुआ? 26% पे वो बेहोश हुए थे। हाँ, सो 26% ग्रीन होने पर वो बेहोश हो गए। तो फिर मैंने उनकी एक्सेस एनर्जी को मदर अर्थ में डाला और उनको फिर से रिवाइव किया और बोला कि अभी मंत्र बोलना नहीं है, सिर्फ उसको फील करना है। तो जितना ज्यादा कलयुग बढ़ता है ना, उतना डिफिकल्ट भी हो जाता है भगवान का नाम लेना, लेकिन उतनी फास्ट मुक्ति भी होती है। तो डिसएडवांटेज भी है लेकिन एडवांटेज भी है, तो इस वजह से मैं वो ट्राई कर रही हूँ मेथड। तो अभी हम लोग लाइव उनका कलर परसेंटेज चेंज हो रहा क्या बताते रहेंगे। मुझे नहीं पता मैं ये ऑडियो फेसबुक पे लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी, बट जस्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इन केस अगर हमने लगाया तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अभी देखो उसका परसेंटेज। हाँ, अभी 41% ग्रीन हो गए वो। ठीक, मैं ऑल द एक्सेस एनर्जी कंटिन्यू गोइंग डाउन डीप इनटू मदर अर्थ। हाँ, 47 हो गए अभी। ओके, अभी अटैक स्टार्ट होगा उन पर। हाँ, तो मैं पहले ही हाँ, एक अपनी आर्मी बनाकर वो उनको प्रोटेक्शन देना शुरू करूँ, क्योंकि मुझे मूवमेंट दिख रहा है कली के साइड से। हाँ बिकॉज वो जो एक्सेस एनर्जी मदर अर्थ में जा रही है ना, उसकी वजह से भी कलयुग पे इफेक्ट हो रहा है। हाँ माँ, जिस स्पीड से बढ़ रहा था वहां का कलयुग, उसकी स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस आया, इसीलिए आपको तुरंत इसलिए ये गॉड का नोटिस एंटीसिपेशन में आ गया, क्या? इसीलिए आपको तुरंत वॉर का वो आ गया अलर्ट। हाँ, नहीं, मुझे समझ में आ गया कि अभी वो कली एक्टिवेट हो चुके हैं तो वो रोकेंगे इसको। मैं भी प्रिपेयर्ड हूँ और मैं एक वीडियो पहले ही दिखा देती हूँ वहां पर कि मुझे जान लो, पहचान लो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। तो वो देख ले, मैं कली कलीज के दूसरे जगह जगह पे कलीज की मैंने क्या दशा की है, तो उलझना मेरे साथ उलझे। वहाँ प्ले हुआ वीडियो, और जो आने वाले थे ना, जैसे ही 50 ही वाज रीचिंग 50% एंड वो क्रॉस करने वाले थे, तो वो पूरा ऐसे झपटने वाला था केएल का वो पूरा एनर्जी। बट आपका जैसे ही वीडियो प्ले हुआ, पूरा वो ब्रॉडकास्ट हुआ हर जगह, तो कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक भी कदम आगे रखे। एंड अभी उनका ग्रीन परसेंटेज 55 हो गया है। ठीक है, बुद्धिमान है यहाँ वाला केएल, अपना वाला बहुत बुद्धू है। वो 57 हो गया माँ, वो फिर से इज लूजिंग कॉन्शियसनेस। वहां के एवेंजर्स
जी अटैक पे ग्रीन आ रहा क्या? देखो99% ग्रीन है। सुन लो भाया, एक सोल को चुपचाप निकल जाने दो, मैं भी कुछ नहीं करूंगी। एक सोल, बस एक ही, बाकी कोई लायक नहीं है आपके इस यहाँ पर। एक सोल को निकल जाने दो, तुम्हारी भी इज्जत बनी रहेगी, मैं भी तुम्हारी इज्जत खराब नहीं करूंगी। खामखा दादाजी को बुलाया और बाकी की चीजें की, मुझे भी चीजें करनी पड़ेगी। एंड में तो बेइज्जती पक्का है ही तुम्हारी। एक सोल के वजह से ये सब करना है कि दिखाना है कि ठीक है, एक हाथ सोल के लिए हम उतना वरी नहीं करते? सोच लो। पीछे नहीं हटे एंड वो इनका 58% पे स्टॉप हो गया। वो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। हाँ मैम, कभी भी शांति से कुछ होता नहीं, फटाफट कुछ होता नहीं। अच्छा मेरा चैतन्य महाप्रभु फॉर्म एक्टिवेट हो, आ जाए उधर। पीछे हटना है अभी कि मैं संकीर्तन शुरू करूं? फिर बहुत सारे सोल्स ऐसे हो जाएंगे ग्रीन, फिर मत बोलना मुझे। माँ पीछे पीछे हटने लग गए। जहां जहां मेरे कदम पड़ेंगे मैं वहां की कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ। फिर वो कृष्णमय बनने लगेगा तो तुम्हारा जो कलयुग का इतना हाई परसेंटेज था वो धप से नीचे गिर जाएगा। सोचो तुम्हारी जिद की वजह से। ये मत कहना कि मैंने समझाया नहीं था। केएल इज ट्राइंग टू अप्रोच त्रिदेव, वहां वाले त्रिदेव को। वाह वाह। वहाँ वहाँ के कलयुग का स्पीड 1.65% से मतलब 65 टाइम्स से स्लो हो गया। तो अभी उनको पसंद नहीं आएगा, अभी वो त्रिदेव के पास जाएंगे। अभी त्रिदेव देखते हैं क्या करते हैं। मैं बैठी हूँ, विल सी। अरे गोविंद, तुम ऐसे बेहोश पड़े रहोगे तो प्रॉब्लम है। चलो तुम्हारा सारे एक्सेस एनर्जी मदर अर्थ पे जाए। होश में आओ, होश में आओ। तुम्हारे वजह से क्या क्या हो जा रहा है और तुम अभी बेहोश पड़े हो। खोल रहा है वो आंखें। उनका परसेंटेज फिर से स्टार्ट हो गया बढ़ना। 59% हो गया एंड त्रिदेव माँ सुन रहे वो, बट वो कुछ मतलब रिएक्शन नहीं दे रहे, बस सुन के ले रहे वो पूरा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक मुझे कोई रोक नहीं रहा मैं अपना काम करूंगी। मेरा चैतन्य महाप्रभु फॉर्म वहीं पर रहेगा जब तक ये कम्प्लीटली ग्रीन होकर गोलक गेट्स पे नहीं पहुंच जाता। और इसी साथ साथ और भी कुछ सोल्स ग्रीन होने लगेंगे। उनको लेने मैं आऊंगी बाद में। हाँ केएल, मुलाकात अब तो होती रहेगी। वाह, केएल इज लाइक कि त्रिदेव को देख के कह रहा है कि अब सुन रहे हो वो क्या क्या कह रही है करके। लाइक दिस वाज नेवर पार्ट ऑफ द प्लान। चुगली मैंने कर रहा है। समझाया था, मैंने समझाया था कि एक को जाने दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। सुनना नहीं था? एफजी को अप्रोच करने का सोचा तुमने? हाँ एफजी को, एफजी के आने का अभी टाइम नहीं है। उसको अप्रोच करने का क्यों सोचा? उससे पावर लेने का क्यों सोचा? किया ना गड़बड़, रूल ब्रेक किया ना? बोलो वो त्रिदेव को, वो क्यों नहीं बोल रहे? तुम एफजी को वो नहीं करते तो मैं भी चैतन्य महाप्रभु फॉर्म में नहीं आती।
एकदम चुप है मैं। खुद नालायकी करो तो ठीक। एक परसेंटेज गोविंद का। 64% हुआ। सिक्सटी फाइव हुआ। माँ वो चीखने लग गए। ओके स्टॉप करो और फील करना। एक्सेस एनर्जी से मदर अर्थ में जाए। अब कुछ मत करो, बस बैठे रहो। बताओ चीखा क्यों? माँ ही सॉबिंग एंड क्राइंग एकदम, एंड ही सीकिंग फॉरगिवनेस। किससे? अच्छा राधा माँ और कृष्णा जी से। वो बस उतना ही कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो प्रभु। क्यों? ये तो ठीक है, पर आप चीखे क्यों? कुछ अटक फटक हुआ क्या आप पे? नहीं, वो कह रहे कि दर्द महसूस किया, इंटेंस उनसे पेन। उनसे सेपरेशन का दर्द। या कोई और फिजिकल दर्द? हाँ, सेपरेशन का पेन बोल रही। क्योंकि मैंने रैप अराउंड करके रखा है, पूरा डोम बना के रखा है मैंने, तो फिजिकल पेन तो आना नहीं चाहिए। मतलब वो पियर्स करके केल तो नहीं घुस सकता है। दैट इज व्हाट आई वाज वरीड कि कौन सा पेन। सेपरेशन वाला ही पेन। हाँ ठीक है वो कंटिन्यू करो। आप वो करो, वो रोना है रो, बस बेहोश मत हो, फिर वो स्टॉप हो जाता है। बिना बेहोश हुए ये सब करना है, करो। देखते रहे परसेंटेज। मैं 72 हो गया। जब बोलती है ना 72 हो गया, फिर मैं वेट करती हूँ तो आगे और कुछ बोल रही है। फुल स्टॉप लगाया कर। माँ 72 हो गया। सॉरी, वो उसके आगे ही जस्ट स्टार्टेड स्क्रीमिंग। मतलब वो माँ करके वो अभी आपसे माफी मांग रहा है। मेरे मेरे पास अनकंडीशनल माफी है। माफी मांगो ना मांगो मैं माफ कर देती हूँ। वो किस बात की माफी मुझे खुद को भी पता नहीं रहता है, तो मुझसे माफी मांग के कुछ फायदा नहीं है। वो फोकस ऑन राधा कृष्णा, मैं उनकी सर्वेंट हूँ। हाँ माँ, वो हाथ जोड़े हैं आपके सामने। मतलब वो, एंड ही इज क्राइंग सॉबिंग एंड सीकिंग फॉरगिवनेस, एंड उनका परसेंटेज 78 हो गया माँ। हाँ देख कैसे अच्छे से फुल स्टॉप लगाए। तो इंसान क्या वेट नहीं करता अच्छा आगे कुछ बोलने वाले का। अरे माँ अकेल की क्या हालत है? देख रहे सब? हाँ, वो रिटर्न आ गया 3 days से, बिकॉज नो रिस्पॉन्स एट ऑल। प्लस आपने जो पॉइंट बोला तो डिडंट हैव एनीथिंग टू से, तो बस देख रहा है वो। आगे भी और दिखेगा। हृदय के पास कंप्लेन की ना मेरी। अभी रुक, मैंने सोचा था एक को लेकर जाऊंगी, फिर पलट के नहीं देखूंगी, हमारा रिश्ता इतना ही रहेगा। पर तूने ये रिश्ता क्या कहलाता है मोड़ पे लेकर आया मुझे। अभी देख
रिश्ता बनेगा। अब एकदम थर थर कांपने लग गया। और गोविंद का परसेंटेज 88 हो गया मां। वैसे कितने गोविंदों को मैं लेकर जाऊंगी यहाँ से, तू बस देख। अब बोला था मैंने, समझाया था, हाँ समझना नहीं रहता। इनको मैथ्स नहीं आती ना, दैट इज द प्रॉब्लम। आई मीन दे डोंट कैलकुलेट। एक सोल को जाने देना चाहिए। एक सोल के वजह से देखो कलयुग का परसेंटेज कम हो गया। हाँ, फिर अभी चैतन्य महाप्रभु फॉर्म आ गया, मतलब डेफिनेटली कुछ परमानेंट डैमेज करके जाएंगे वो। ओके, मतलब कि कुछ 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 सोल्स के अंदर तो कृष्णा भक्ति सीड डाल के जाएंगे, उनको एलिवेट करके जाएंगे, तो कुछ दिनों में मुझे आना ही पड़ेगा फिर से। तो ये बिकॉज ये पढ़े लिखे नहीं है ना, दैट इज द रीजन दे डो नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स, और इसके वजह से वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। द पेनी वाइज पाउंड फुलिश गिरी करता है जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। क्या जरूरत है ईगो दिखाने की? माँ, ये हमेशा की स्टोरी है, आज की बात नहीं है। ईगो से कितना पतन होता है देखो, भले वो केएल करे या इंसान करे। हाँ माँ, हाँ, गोविंद का 93% हुआ एंड लाइक ही स्टॉप सॉबिंग। वैसे एकदम क्या कहते हैं, ध्यान ध्यान में चले गए, ऐसे ट्रांस में चले गए वो पूरा। ठीक है, नाइनटी नाइन हो तो बताना फिर। वो लोग गेट तक पहुंच जाए। हाँ, 94, 96 तक आ गए। नाइनटी एट हुआ माँ, माँ आत्मा निकलना स्टार्ट हो गया बॉडी से। गोविंद आंख आंख खोलो, बच्चा आंख खोलो, मेरे से बात करो। ध्यान फैन में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान ठीक था। पता सुबह से क्या नहीं खाया आज? मम्मी, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आंखें अभी भी बंद है। मन के कान के पास जाके बोलती हूँ, सुबह से क्या खाया गोविंद? थोड़ा सा हिले बट स्टिल सेम। गोविंद आंख खोलो, खोलो आंख गोविंद। बोलते हो कि मैं जल्दी जाऊं? वो माँ करके बोले बट आंखें नहीं खोल रहे, वो बोल रहे आंखें खोल नहीं पा रहे हम। ठीक है, मैं खोल देती हूँ हाथ से आंखें उनके। खुल जा खुल जा। हाँ, वो आपको पकड़ के रखे एकदम टाइटली। अभी आंखें खोल के पकड़ के रखो बेटा। हाँ माँ, 99 हो गया। ये चलो अभी देखो, वो खुद ही वहां पर हो जाएंगे, गोलक गेट के सामने दिखेंगे अगर वो एलिजिबल हो गए हैं तो। ही स्टार्टेड अपियरिंग माँ, गोलोक गेट के सामने। गुड बाय केएल, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ माँ, आ गए गोविंद। ओके, 11 सोल्स आ जाइए, 5 बीइंग्स आ जाइए, बाकी जिसको मैंने पहुंचाया था वो सीक्रेट नाम, वो भी आ जाइए। और दिव्या आत्मा, अगर आप फ्री हो गए हो आप भी आ जाइए मीटिंग से। माँ आए, सब आए। ठीक है, सो गोविंद आप अभी
गोलोक के गेट के बाहर हो। अब आपको चिंता नहीं है, अब आप बेहोश भी नहीं होंगे और अब आपकी आत्मा ऐसे बाहर नहीं निकलेगी। अब हो गया काम, क्योंकि अभी आप उस जगह पे नहीं हो, आप सीधा गोलोक के गेट के बाहर हो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, आपको अब कब से चाह रहे थे कि आप राधा कृष्णा के पास पहुंच पाए, मतलब कितने वर्षों या कितने इनकार्नेशन से आप ये तपस्या कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आप कब से? क्योंकि वो लोअर अर्थ से आया है माँ, और नीचे के प्लेन से आया है। हाँ मतलब whenever he used to reincarnate also ना, तो ये जो अभी के अर्थ पे वो है, वो that is the highest earth जो उन्होंने so far experience किया है। ओके ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं। अभी जब आपने 70,000 इनकार्नेशन या 70,000 ईयर्स, क्या है 70,000 ईयर्स? ओके 70,000 ईयर्स तपस्या या जो भी हार्डवर्क करने के बाद अब फाइनली आप गोलक के द्वार पर हैं, लेकिन इसमें एंट्री आपको तभी मिलेगी जब आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो कि क्यों जाना है गोलक में। गोलक में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तब बीइंग्स हैं, आत्माएं हैं जो राधा कृष्ण की दिन रात सेवा करते हैं, तो आप भी उनमें से एक बनकर क्या होगा, मतलब तो तब बनेगा जब आप उनके काम में आ सके या जब आप उनके चैनल बने, उनके असेट बने। अब जैसे मुझे देख लीजिए, मैं सबको हेल्प करती हूँ जिन गोलक पहुँचाने में, जैसे कि राधा कृष्णा के बच्चे स्वयं उनके पास वापस आ जाए और राधा कृष्णा के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, अलग अलग तरीकों से मेहनत करती हूँ, फिजिकल अर्थ पे मेहनत करती हूँ, इनर वर्ल्ड में मेहनत करती हूँ, अपने ऑडियोज के थ्रू समझाती हूँ, नेगेटिव को मार कर मतलब भक्तों की जिंदगी थोड़ा बेटर करती हूँ, जैसे उनको ऑब्स्टेकल्स ना आए, उनके दर्द कष्ट हर लेती हूँ जैसे कि वो प्रॉपरली भक्ति कर सके। तो हर फॉर्म में मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है, ऐसा नहीं है कि बस मैं प्रवचन देती हूँ, क्योंकि सिर्फ प्रवचन से कोई गोलक नहीं आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बाधाएं आती है। जैसे अभी आपके टाइम पे भी बाधाएं थी, आपको पता नहीं था, अभी आप वीडियो देखिए कि क्या हुआ और मैंने कैसे आपको प्रोटेक्शन दिया, वरना आप अभी अभी नहीं पहुंच पाते। आपके सामने वो वीडियो प्ले हो वो अटैक का, तो आपको समझेगा। तो इस लेवल पर आप अगर मतलब पूरी निष्ठा से सेवा करना चाहते हैं कि प्रभु हमको आपका दर्द अब समझ में आया कि आपके बच्चों से दूर जो आप रहते हैं, वैसे प्रभु सबके हृदय में है, कण कण में है, हर मन में है, लेकिन फिर भी आज अगर आपका बच्चा कोई दूर देश में रहे, आपको पता है वो आप ही का बच्चा है, आप उससे प्रेम करेंगे ही, आपका बच्चा भी आपसे प्रेम कर रहा, पर वो दूर है ना, तो वो वाली फीलिंग हमेशा एक तड़प वाली फीलिंग होती है। तो सारे बच्चे अगर श्री कृष्णा राधा माँ के पास आ जाते हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आती है, और उस मुस्कान पे मैं के लिए मैं कुछ भी करने को रेडी रहती हूँ। तो वैसी ही निष्ठा आपके मन में आनी चाहिए, तभी मैं गेट खोलूंगी, वरना मैं गेट नहीं खोलूंगी। उस लेवल का प्रेम आपको करना होगा, ये नहीं कि कृष्णा जी मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, उसमें भी मी रहता है, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, मुझे आप चाहिए, ये सब मी है, मतलब मैं को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब हमारा ये इंटेंशन होगा कि कृष्णा जी आप जो अपने बच्चों से आपको दूर रहना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने चूज किया कि आपसे दूर रहना, आपसे दूर एंजॉय करना, ईगो के कारण, जो कुछ भी कारण, अब हमारा काम है उनको वापस ले आना, और हम रूपाली माँ के इस प्रोजेक्ट में मदद करेंगे वापस ले आने में, तब आप एसेट कहलाएंगे, तब को ये प्रॉमिस करना होगा और पूरे दिल से आत्मा से करना होगा
तभी आप एलिजिबल होंगे कि गेट खुले। हाँ मैम। हाँ माँ मतलब ही वो पूरा सुन के मतलब ही इज रिपीटिंग अफर्मिंग एंड ही सेड कि ही प्रोमिसेस। ठीक है, तो जब वो 100% हो जाएंगे ना तब बताओ, फिर मैं गेट खोलूंगी, तभी वो 100% होंगे। हाँ माँ हुए 100। हो गए, बाकी लोग कंफर्म करो। हाँ माँ जस्ट माँ अभी हुआ। यस माँ 100। ये सेलिब्रेशंस। ओके ग्रेट। सो अगर गोविंद एलिजिबल है गोलोक में एंट्री करने के लिए तो गोलोक के दरवाजे खुल जाए। राधे राधे राधे, देखो खुल गए माँ गोल्डन खुल गए गेट्स। माँ, खुल गए माँ, खुल गए। उफ इट्स ब्यूटिफुल माँ। उफ द सेलिब्रेशन। सबसे पहले राधा माँ कृष्णा जी के चेहरे के स्माइल को देखो। माँ क्या हाँ माँ, ब्रिलियंट स्माइल है माँ। हाँ माँ, प्राइसलेस। आपको देख के स्माइल कर रहे हैं। तो अब तुम सब लोग भी ये प्रॉमिस करो कि इतना वर्क हार्ड करोगे कि दोबारा इनके चेहरे पे हम स्माइल ला सकें। हाँ माँ, यस हाँ माँ, माँ, यस माँ, बाकी कुछ जी भी माँ, वर्थ इट नहीं है। देखो ये तुमको खुद दिख रहा है ना, देखो मैं कुछ नहीं दिखा रही, तुम लोगों को जी खुद माँ, दिख रहा है तुम्हारी क्लेयरवॉइंस इंप्रूव हुई है इतनी। तो देखो वो स्माइल और प्रॉमिस करो अपने मन में कि अब फालतू चीजों में हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। वन पॉइंटेड फोकस करके, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, हम लोग इतना वर्क यस माँ। हार्ड करेंगे कि बार बार उनके चेहरे पे हम स्माइल ला सके। कुछ इससे प्रेशियस और इससे वैल्यूएबल और कुछ नहीं हो सकता। यस माँ, हाँ माँ, यस माँ, तो वो सारे डीप अटैचमेंट्स को अब देखो जिनके वजह से हमारे कदम रुकते हैं। वर्थ इट है क्या? नो नहीं है माँ, नथिंग इज माँ, वर्थ इट माय। नहीं माँ। वो सारे फियर्स, वो सारे कंफ्यूजन्स, वो सारे इफ्स एंड बट्स वर्थ इट है क्या? बिल्कुल नहीं माँ, नहीं माँ। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं, वो ईगो करके ग्रुप से दूर जाना वर्थ इट है क्या? बिल्कुल 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 भी नहीं बिल्कुल नहीं माँ। माँ। ठीक है, अभी जो आप लोगों को फीलिंग हो रही है वो कोई करवा नहीं सकता। जब तक बिल्कुल वो रियल ना बिल्कुल हो आप महसूस नहीं करोगे, तो उसको हाँ फील माँ। करो हार्ट में। माँ ये खुद से दिख रहा है, खुद से फील हो रहा है, खुद मतलब वी आर एक्सपीरियंसिंग इट माँ। जस्ट प्योर एस्टेसी एंड इट्स लाइक दिस इज इट, यही है। एंड यू इज जस्ट यू माँ। This is everything. और So रीसेंट priceless. हाँ It's beautiful, just beautiful. मैं तो रीसेंट फ्यू हम जो टाइम्स में एक एक कितने बार एफर्ट, दिखे हैं। हाँ हम जो एक एक एफर्ट ले रहे हैं ना, एक ऑडियो को हम रेडी कर दे रहे, एक वीडियो को हम रेडी कर दे रहे कि वो देखकर कोई एक ग्रुप मेंबर एक कदम, आधा कदम, 1/4 कदम, 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स कृष्णा लेगा। इजंट इट वर्थ इट? यस वर्थ इट मैम, माँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हम एक मैम, कमेंट जो लिख रहे, एक कमेंट जो लिख रहे जिसमें कि जिसमें हमको जो जो नॉलेज समझ में आया और उसने हमारे हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला, वो कमेंट लिखना और वो कोई और पढ़ता है उसको और वो मोटिवेटेड होता है। इजंट इट वर्थ इट? वर्थ इट मैम, यस माँ, यस माँ। मैं कल सत्संग में यही हुआ माँ। बस उनको उनको कनेक्ट कराते कराते हम एक्सटेसी फील कर गए मैम। यस। सो सोचो हम कृष्णा जी का जो जो पूरा जो स्माइल है उसके 0.0001 मिलीमीटर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इससे प्रेशियस कुछ नहीं हो सकता है। बाकी सारी चीजें तो मतलब टेम्पररी है।
आज या कल नहीं होगा, तो इसको बार बार अपने मन में आत्मा में बिठा लो, तो कभी डेविएट नहीं होगे इस पाथ से, कभी नहीं होगे। कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, ऐसे कुछ एक्शन या एक्टिविटी करोगे ही नहीं जब तक खुद पे फोकस करोगे गड़बड़ करोगे, जब तक कृष्णा जी के और राधा माँ के स्माइल पे फोकस करोगे गड़बड़ होगा ही नहीं। रंजीत एंड एंजल, डिड यू बोथ फील एनीथिंग? आप लोगों को दिखता नहीं है बट कुछ फील किया? हां मां, आपका वॉइस पे कितने एनर्जी है मां? हां, योर वर्ड्स आर सो पावरफुल बेस्ड ऑन द जॉय। एग्जैक्टली। एक मिनट, पहला रंजीत बोलो। मां दिखाई तो कुछ नहीं देता है बट बेस्ड ऑन ऑल द डिस्क्रिप्शन एंड बेस्ड ऑन ऑल द एनर्जी एंड ऑल द जॉय दैट एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग, वी कैन फील द सेम। देखो, ओके, फॉरगेट अबाउट सेइंग, जो मैं बोलती हूं वो करो। बोलो कि May I feel the environment of Golok right now? बस इतना बोलो और सब कुछ हटा दो, कुछ देखने की जरूरत नहीं, जो फील करोगे वो बताओ। May I feel the environment of Golok right now? इंद्रनील आप बोलो पहले। वहां आंख बंद करते ही ना सारा जो अर्थली चीज है वो फ्लैश होने लगा, पहले एवरीथिंग ऑन अर्थ फ्लैश होने लगा, जस्ट लाइक इफ आई एम मूविंग वेरी फास्ट, और फिर वो डिसअपीयर हो गया और फिर एकदम सब काम हो गया, निस्तब्ध हो गया, मैं एकदम मतलब फुल स्टिल साइलेंट, दैट इतना फील कर सका मैं अब तो। ओके, ठीक है, मतलब आपको एकदम शांति स्टेबिलिटी वाली ऐसी फीलिंग आई। हाँ मैम, मतलब ये आर्ट का एक इनहेरेंट कैरेक्टर है ना कि आपको हर वक्त वो करते रहेगा, वहां से जैसे मतलब छिटक के निकल गया मैं एकदम रूट होके, एंड देन एवरीथिंग जस्ट वेंट काम। ठीक है, अब आप बोलो मे आई सी व्हाट इज हैपनिंग इन गोलोक राइट नाउ। सी व्हाट इज हैपनिंग इन गोलोक, entrance of Golok, Golok, entrance of Golok right now. नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रंजीत आपको कुछ फील हुआ, कुछ दिखा? वहाँ पे नहीं, नहीं शायद फर्स्ट स्टेटमेंट में आई फील द एनवायरनमेंट ऑफ गोलोक फॉर एन इंस्टेंट, इमीडिएटली आई फेल्ट लाइट एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ वाइट डिवाइन लाइट एंड देन व्हेन आई आस्क्ड टू सी व्हाट इज हैपनिंग एट द एंट्रेंस ऑफ गोलोक, I just see a flash of the gates that are open, and I just see a road ahead. That's all I see. Don't see anything more than that. Like I see some golden doors that are open, but that's it. Okay. मैं मुझे गेट से दिख रहे हैं, मतलब ऐसे टाइम रैप जैसा होता है ना, मैं व्हील पुट जैसा, हाँ ऐसे मल्टी कलर दिख रहा है, बट इट आई डोंट सी लाइक फिजिकल वर्ल्ड में हम जैसे गेट देखते, देयर इज नो गेट्स लाइक दैट। हाँ ठीक है, कुछ डिफरेंट फील हुआ रादर देन जो नॉर्मली होता है, मतलब कुछ दिखा। हाँ ओके, मैं डिस्क्राइब करती हूँ आप लोगों को। जी माँ। सो May I see whatever is happening at the entrance of Golok
सेलिब्रेशन टाइप का हो रहा है पूरा, और उसमें मतलब ऊपर से फ्लावर्स की वर्षा हो रही है, बहुत सारे ऐसे पेटल्स और फ्लावर्स ऐसे गिर रहे हैं, एंड जितने भी गोपीज गोपास सब कुछ हैं, सब लोग आ गए हैं टू वेलकम गोविंद, और उसके साथ साथ ही ये 11 सोल्स हैं, 5 बीइंग्स हैं, बाकी दिव्यात्मा है और जो भी दूसरे बीइंग्स हैं जिनको भी मैंने वो करवाया है, गोलक में एंट्री कराया, सब लोग हैं। एंड राधा माँ इज वेरी हैप्पी, राधा माँ दिख रही हैं, श्री कृष्णा जी अभी तक आए नहीं हैं, बस राधा माँ दिख रही हैं, शी इज वेरी हैप्पी, और श्री कृष्णा जी अपने जहाँ पर बैठे हैं वहीं से वो सब देख पाते हैं, तो वहीं से वो मुस्कुरा रहे हैं, एंड ही इज अबाउट टू कम। बाकी क्लेयरवेंट्स कंफर्म करो जो दिख रहा है मुझे। हाँ माँ, अम्मा सब कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, उसी फ्लो में दिख रहा है। अब आप देखोगे साइड में पीकॉक्स डांस कर रहे हैं, बहुत सारे पीकॉक्स आर डांसिंग, और राधा माँ ने सर पे हाथ रखा है गोविंद के, और जिस मोमेंट पे वो सर पे हाथ रखी है गोविंद को, मेरा वाला चेहरा जैसे मर्ज हो गया, मतलब अब उसको लेबल लग गया है, टैग लग गया है, और वो प्यार से लेकर जा रही है अंदर गोविंद को। अब सामने से फील हो रहा है एकदम गोल्डन ब्राइट एनर्जी आते हुए, वो कृष्णा जी होंगे, अभी वो आएंगे। राधा माँ लेके जाती है हमेशा किसी भी आत्मा को कृष्णा जी तक, तो मतलब जैसे किसी की एंट्री होती है गोलोक में, हम लोग तो रहते हैं, मतलब मैं रहती हूँ, लेकिन उसके बाद जिस मोमेंट पे राधा माँ आती है, फिर राधा माँ ले जाती है, मतलब जैसे होता है ना कि ये देखो हमारा बेटा आ गया या बेटी आ गई वाला, वैसे वाला, फिर राधा माँ लेके जाती है श्री कृष्णा तक। एंड फिर सबसे पहले कृष्णा जी हग करते हैं उस आत्मा को, आत्मा तो प्रणाम ही करती रहती है, तो गोविंद भी प्रणाम कर रहा है, पर कृष्णा जी पहले हग कर रहे थे, एंड अ ब्राइट स्माइल कृष्णा जी के फेस पे, जो वहां से बैठ के जो हमें दिख रहा था ना, वो अब सामने दिख रहा है, मतलब वो सामने है, तो वो ब्राइट स्माइल एकदम, ही इज हैप्पी, ही इज सैटिस्फाइड, उनके आंखों में स्पार्कल दिख रहा है, राधा माँ इज हैप्पी सैटिस्फाइड, और सेलिब्रेशन का पूरा माहौल है, लाइक एवरीबडी इज नाउ रिजॉइसिंग, और मैं प्रणाम करूंगी राधा कृष्णा को अभी, थैंक यू राधा माँ कृष्णा जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप ही ने अपॉर्चुनिटी दी, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप अगर मुझे नहीं बताते, अगर ये इस आत्मा की शायरी पहले नहीं पहुंची रहती, तो फिर हमें मुझे समझ में भी नहीं आता कि आत्मा रेडी है, तो आप लोगों ने देखा होगा मैं, क्योंकि उसने पहले ही राधा कृष्णा के लिए एक शायरी लिख दी थी, दैट वाज एनफ, वो हमने वही शायरी को हम कैच कर ही मतलब समझ पाए कि ये एक सोल है जो कृष्णा जी तक पहुंचना चाहता है, तो फिर मैंने दोबारा शायरी नहीं लिखा, इट वाज नॉट नेसेसरी, वो हो गया था, मतलब दैट इज डन, वो लास्ट का बिट का जो था, लास्ट का बिट में इसका एसिड वाला पे ज्यादा फोकस करना था, लव एस्पेक्ट भरपूर था, मैं बाकी बींग्स को शायरी इसलिए लिखवाती हूँ सो दैट वो लव एस्पेक्ट वो उस लेवल पे पहुंचे, इसका ऑलरेडी था हाई लेवल ऑफ लव वाला एस्पेक्ट, उसको इसलिए शायरी लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सो यहाँ से फिर मैं अलविदा बोलकर मैं निकल जाऊंगी गोलक से बाकी मेरा नेक्स्ट काम के लिए। सो राधे कृष्णा, और देखो आप सबके सामने अभी व्यू बंद हो जाएगा, मेरा निकल जाना मतलब व्यू बंद हो जाना। वो पूरा पार्ट आप जो डिस्कस कर रहे थे ना, तो राधा कृष्ण को वो इतना ब्राइट लाइट था, आई कुड सी देयर फेस, आई कुड जस्ट सी देयर एक्सट्रीमली ब्राइट लाइट, और जैसे कृष्ण जो आने लगे ना, हार्ट बीट कैसे फास्ट होने लगा, मतलब आपने कल रात पे जैसे बोला था ना, हार्ट बीट फास्ट हो रहा था, मतलब वो घबराहट वाला नहीं, एक्साइटमेंट वाला हार्ट बीट, मतलब वो एनर्जी फील हो रहा है, वो आ रहे हैं आपके साइड, मतलब आपके पास आ रहे, यू कैन नॉट सी हिम, उसके एनर्जी भी उनके साथ मूव कर रहा है आजू बाजू का,
और माँ यू आर लुकिंग मतलब यू लुक वेरी डिफरेंट एंड यू डोंट लुक नोवेयर क्लोज टू व्हाट वी सी यू ऑन अर्थ एकदम मैं सारी उधर ब्रेक वाली अच्छी फ्रेश दिखती रखा हूँ। नहीं आप बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो ऐसे नहीं हो ये उधर वाली की मतलब अलग बात है। एक अलग ही टशन है एंड टॉल बोथ यू आर वेरी टॉल एक्चुअली हाँ और मेरे मसल्स भी हैं, दिव्या आत्मा ने कहा मेरे मसल्स भी हैं। हाँ मतलब उनके टक्कर के एकदम ऐसे लग रहा है हाँ माँ जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे थे ना मतलब गेट्स भी दिखते हैं, गोल्डन गेट्स, राधा माँ और कृष्णा जी के चेहरे पे वो मुस्कान, राधा माँ हग, पूरा दिखा माँ, सच में दिखा क्या माँ मुझे, मतलब एग्जैक्टली देख हम ऐसा कैसे हो गया। कंफर्म करें, हम कैसे कंफर्म करें कि हमें सच में दिख रहा है कि नहीं, ये सच है कि नहीं। अपने हार्ट में फीलिंग क्या हुआ वो है हमारा प्रूफ। अगर हार्ट में हाँ एक्साइटमेंट हो रहा है वो नहीं होता है। मतलब हम मूवीज में भी देखते हैं ना बहुत कुछ, बट हमारे हार्ट में वो एक्साइटमेंट नहीं होता जब तक वो एक्चुअल एनर्जी ना फील हो। तो हार्ट वाली फीलिंग पे जाओ, हार्ट में एक्साइटमेंट हुआ मतलब हाँ दिखा भाई। हाँ हाँ पूरे हाँ हाँ एक्सटेसी वाली, मतलब आंखों में आंसू, गूज बम्स, एक्सटेसी। मतलब देखा। तब तुम सबको भी जाना है कि नहीं जाना है, यहाँ पे जाना बुद्धगिरी है करनी माँ, है? जाना है माँ, जाना बस है सिर्फ और माँ, सिर्फ वही चाहिए माँ, और कुछ नहीं। वहां पे अब बैठ के भी हम जाने लोग का को मन। सत्संग करेंगे, सत्संग करेंगे, उफ फिर मैं तुम लोगों को काम दूंगी वहां से। हाँ ना माँ, माँ हाँ माँ माँ अब अभी रैडिकल जाना है पॉइंट माँ, सीखोगे। हाँ माँ राइट नाउ जाना। तो जब वहां पे बैठ के मैं राधा कृष्ण की स्तुति करूंगी तो आप लोग वो विटनेस करोगे। बहुत डांटे दर्द और उस मेंबर राधा माँ कृष्णा जी के समक्ष उनकी स्तुति। सो मेहनत करते चलो, अभी भी हमारे कुछ इयर्स बचे हैं होपफुली, तो मेहनत करते हैं और एकदम फोकस रहता है अर्जुन जैसे। देखो बाकी हमारा तो फिजिकल वर्ल्ड में काम चल ही रहा है, जॉब करना, घर संभालना, ये सब तो हम त्याग करके नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ हमारा लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन ये हमको जिंदा रख रहा है ये चीज, और हमें और ज्यादा ताकत दे रहा है टू परफॉर्म बेटर इन एवरी सेक्टर ऑफ आर लाइफ। तो बस दैट्स इट, तो वी विल कीप डूइंग दिस। फिर हम ये नहीं सोचेंगे हो रहा नहीं हो रहा है, वो हमको वैसे भी इस बार तीरथ में हमको प्रूफ मिल गया कि आज अब तक हमने जो भी किया था वो सच में हुआ था। तो हमारा लॉजिकल माइंड, हमारा फिजिकल माइंड हमको समझाएगा पता नहीं होता है नहीं होता है। उस समय बोलना कि वी विल जस्ट गो विद द फीलिंग कि हमें तो एक्सटेसी फील हुई, हमें अच्छा लगा, हमें लगा कि दिस इज वर्थ इट, तो बस वही है ना। माँ अगर मैं अपना स्टार्टिंग वाला लाइफ सोचूँ ना, मतलब जब स्पिरिचुअलिटी नहीं था, वो आपसे मिलने के बाद वाला पार्ट में मैं वो 10-15 साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बॉडी का 1000 प्रॉब्लम, ये पेन वो पेन, कितना कुछ भी रहता था। अभी जो फोकस आपने कर दिया ना माँ, मतलब वो सब चीज कभी ध्यान में भी नहीं आता। मतलब एक ड्रास्टिक चेंज हो गया ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में, दैट इटसेल्फ इज एनफ। बस बस तो बस ठीक है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम इसी रास्ते पे चलेंगे। जो हमसे हमसे जुड़ के हमारे साथ चलना चाहेगा वेलकम, नहीं चलना चाहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम तो इसी रास्ते पे चलेंगे और हम तो ये काम करेंगे ही। माँ हम हर बार गिरते पड़ते हैं लेकिन आप कॉन्स्टेंटली हमें गाइड करते रहते हैं माँ, कॉन्स्टेंटली, कि हम भटके नहीं, थोड़ा सा भी, 1 सेंटीमीटर भी ना भटके रास्ते से। यू कीप ब्रिंगिंग अस बैक माँ। तुम लोग मेहनत करते हो इसीलिए, मेहनत नहीं करते तो फिर मैं भी नहीं कुछ कर पाती। तुम लोग दिन रात मेहनत करते हो ना, ठीक है। ओके सो वेलकम गोविंद टू गोलक, और इसी से हम ये रिकॉर्डिंग बंद करते हैं एंड फिर हम नेक्स्ट काम, हमारा नेक्स्ट काम भी बचा है वो उस पर फोकस करता है, तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। थैंक यू।